आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 10 बजे से। मैंने और रिदुरे नाश्ता कर लिया और मैं नहा भी गई। सोच तो मैं इसको भी नहलाने कर रही थी, पर मौसम इतना अजीब सा हो रहा, कभी धूप आ रही कभी बारिश आ रही है, और इसको दो तीन दिन से जुकाम भी लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज रहने देती हूँ, आज सिर्फ कपड़े चेंज कर लूँगी इसके और नहला कल दूंगी अगर कल मौसम सही रहा। क्योंकि मौसम बदलते बदलते मतलब कुछ दिन गर्मी रही, फिर बारिश हुई, फिर आज भी धूप बारिश की वजह से कहीं ज़्यादा बीमार ना पड़ जाए, इसलिए आज मैं सिर्फ इसके कपड़े चेंज करूँगी और नहला कल दूंगी इसको। तो अभी तो मुझे पहले इसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे नहाए हुए जो कपड़े हैं इसके जो कपड़े हैं वो धुल दूँगी, उनको धूप में डालूँगी, उसके बाद कमरों की सफाई करती हूँ। ओके ओके बिटी बॉय। पानी नहीं, दवाई खाने का पानी नहीं। तो मैंने अभी रितु को भी तैयार कर दिया है, बिल्कुल मुंह हाथ धुल के कपड़े कपड़े चेंज करवा दिए ना तेरे। पीछे इसमें पॉकेट ही नहीं है, वहाँ पे रखे हैं पैसे, वो देख वहाँ से उठा। तो अब मैं जो कपड़े हैं धुलने को उनको धुल लूँगी और धूप में डाल दूँगी। अब बाहर तो नहीं डालूँगी, छत में या कहीं बाहर तो नहीं डालूँगी, यहीं पे जो क्लॉथ हैंगर है उसमें टांग दूँगी और वो सूखते रहेंगे। थोड़ा वॉशिंग मशीन में ड्रायर में डाल के उसे बाहर डाल दूँगी और जिस हिसाब से मौसम होगा उस हिसाब से सूखते रहेंगे। तो चलो हाँ अभी मैं बाहर कपड़े तो डाल के आ गई हूँ और अब करूँगी मैं कमरों की साफ़ सफाई और रिदु को देखती हूँ, अगर ये सोता है तो इसको सुला दूँगी, नहीं तो ये भी इधर खेलता रहेगा और मैं साथ साथ काम करती रहूँगी और उसको दिन में खाना खाने के बाद ही सुला दूँगी। अभी मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर ली है और दिन का खाना भी बन गया है मेरा, पर वो भी थोड़ा गर्म है चावल। और ये देखो इसको तो नींद ही नहीं है, ये तो सोया ही नहीं, तो इसको तो खाना खाने के बाद सुलाऊंगी। तो जब तक खाना ठंडा हो रहा तब तक मैं सोच रही हूँ कल के जो मैंने कपड़े धुले हुए थे यहाँ पे फैले हुए थे वो, मैंने कहा उनको समेट के उनको फोल्ड करके रख देती हूँ, जितने देर में खाना ठंडा होगा उसके बाद इसको खाना खिला के अपने आप को खाना खा के सो जाएंगे। ठीक है हाँ,
क्योंकि आज पूरे दिन भर में बारिश हो रही, ठंडा भी हो रहा, तो शायद ठंडे से इसको नींद आ जाए। तो अभी मैं और रितु जाएंगे छत में थोड़ी देर घूमने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है तो थोड़ी देर ये छत में घूम लेगा, थोड़ा साइकिल में खेल लेगा, उसके बाद नीचे आके चाय पानी पियेंगे हम। सुबह से तो मौसम पूरा ऐसा रहा कि कभी धूप कभी बारिश रही, अभी थोड़ा ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ी देर में से घुमा लेती हूँ, और उसके बाद टाइम पे जब थोड़ा अंधेरा होने लगे तो नीचे भी आ जाएंगे हम लोग। मैं और रिदु आ गए हैं अभी छत में, और ये थोड़ी देर यहाँ पे साइकिल में खेलेगा, उसके बाद हम लोग नीचे चले जाएंगे। और आज मौसम फिर से वैसे ही, पूरे बादल बादल लगे हुए हैं, और ये तो सुबह से तो ऐसा हो रखा मौसम, आज पूरी बारिश बारिश बारिश, पूरे दिन भर बारिश रही, आज थोड़ा रुक रही है 5-10 मिनट, फिर बारिश हो जा रही। अभी बड़ी मुश्किल से साफ़ हो रखा है कहीं कहीं पर, बाकी तो पूरे मौसम में बादल बादल ही लगे हुए, पूरा आसमान ढका हुआ है बादल से। हाँ बारिश का है वो, बारिश का पानी है वो गिर रहा। हाँ साइकिल चला तू। हाँ मम्मी पानी गिरा। तो अभी मैं और रिदु आ गए हैं छत से नीचे घूम के, अब मैं बनाऊंगी अपने लिए और रिदु के लिए चाय, और उसके बाद करूंगी रात के खाने की तैयारी। तो अभी मैं शाम की चाय बना ही रही थी, तब तक दूध वाले भैया जो हम लोग के लिए दूध लेके आते वो आ गए, और रिदु को पता नहीं किस बात की एक्साइटमेंट रहती इतनी ज़्यादा कि जो सबको, मतलब हमारे बगल में जो नीतू और रहते हैं, उन्नति और रहते हैं, उनका दूध भी लेके आते हो भैया, और तो इसको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि सब जो दूध का बर्तन है मुझे दो और मैं जाके भैया से ले लूँगा सबके लिए दूध। तो अभी देखना, अभी मैं बाहर जब दूध लेने जाऊँगी तो ये अपना दूध अपना बर्तन तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में उन दोनों का बर्तन भी मांगेगा और खुद ही भैया से दूध ले लेगा। चल आप भी दो दीदी, दोनों दो, इसको देखो ना, इसको भैया को इसको भी अपने साथ लगा लो, बस दूध ले। दीदी नीचे तो रख ले बर्तन, दीदी कंफ्यूज हो गया वो इतने सारी चीजों में। अच्छा मम्मी का उसमें लेना है कि दे दे अपना बर्तन, दे दे अभी अपना बर्तन दे दे भैया को। भाई ये तो खतरनाक ही है, ये तो नीचे तो रख ले, नीचे रख ले बेटा, नीचे रख ले ना। हाँ भैया तभी तो देंगे, नीचे छोड़, नीचे छोड़, तू छोड़ रहे दे, हाथ ऊपर उठ, तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, लेके आ गई हूँ मैं अभी दूध, और मैंने जैसे कि बोला था रितु सबके बर्तन ले रहा था,
तो वो वहाँ जाके छोड़ ही नहीं रहता, अपना दूध भी नहीं लेके आता, मैं ही लेके आता हूँ कि अंदर। तो मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए भी रखूँगी और रात के लिए सब्जी भी काट देती हूँ। तो मैंने अभी सब्जी भी रख ली है गैस में और यहाँ पे जो सब्जी बन रही है आटा भी गूंदिया, अभी गूंदा मैंने। रितु के पापा भी ऑफिस से आ गए, वो अंदर रितु की दादी जी से बात कर रहे हैं। और इसको देखो, ये तो दिन भर घूमता रहा। कहाँ लेके आए तेरे पापा तेरे चॉकलेट? तब से लग रखा पापा चॉकलेट लेने, पापा चॉकलेट लेने, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना, जो काम लग रखा तुझे। तो थोड़ी देर में मैं रोटियाँ बनाऊँगी, जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं थोड़ा वीडियो एडिट कर देती हूँ। और जब रितु के पापा बोलेंगे थोड़ा कि रोटियाँ बना ले, तो मैं रोटियाँ बनाऊँगी। आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।